तो दोस्तों आज जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है बहुत ही हिस्टोरिक। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं, को कर देते हैं बंद। चलिए दोस्तों आज आपको घुमाते हैं शंभू। मैं सोच आगे से रास्ता है बंद। भाई ये देखो बड़े शहरों में ये होता है, कोई भी फंक्शन है कोई अपना गली में कर लो बस टेंट गाड़ के। हमारे गांव की या छोटे शहरों की तरह नहीं, हमारे पास तो भाई सफिशिएंट स्पेस होता है, चाहे धाम खिला दो डीजे लगा दो। इनके जब पहले भरवाते हैं बाइक के पेट्रोल और उसके बाद लेके चलते आपको शंभू। चार सौ के डाल देना, थोड़ी हवा चेक करा लेते हैं बाइक की। भाई अपने शहर में ब्लॉग शूट करना बहुत ही मतलब थोड़ा भी झिझक सी लगती है। और ये सीधा रास्ता चला गया चंडीगढ़ के लिए और यहाँ से हम होंगे भी राइट साइड जो जाता है अम्बाला के लिए। अभी मैं खड़ा हूँ शंभू के पास, शंभू मतलब टोल से पहले, और यहाँ पे आपको ये नज़ारा थोड़ा सा दिखा दूँ। संचन करोगे ये यानी दो तीन साल पहले तक काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था अभी मतलब नहीं, अभी तो देख के हालत ऐसी लग रही है कि अभी तो ये बंद ही क्यों हो गया। तो हमें भी शायद लगभग लास्ट टाइम हम यहाँ पे जो आए थे किसी और फेयरवेल पार्टी की सब नेक्स्ट वीक को, तो तब हम यहाँ पे आए थे दिसंबर नवंबर या दिसंबर में। फिर अभी तो मेरे को देख के लग रहा है कि ये बंद ही हो चुका है। और पीछे आप देखें ये चीज़ है ए सी का मुझे पता नहीं, तो चंचल हवेलियाँ भी बंद हुई। ये रेस्टोरेंट था और काफ़ी यानी देसी स्टाइल में अंदर पूरा जो था इसका मतलब एक होता ना पंजाब के लोकल जो गांव होते हैं पिंड वाली फीलिंग है, बिल्कुल वैसा टच इन्होंने अंदर दिया हुआ था पूरा इसमें एंटीक वगैरह। और अभी तो ये बंद ही हो गया। परमार साहब ब्लॉग्स देखने वाले मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों आज जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है बहुत ही हिस्टोरिक अगेन, मतलब जो सिचुएटेड है राजपुरा में, राजपुरा शंभू इवन मेरे ऑफिस के बहुत करीब। और थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता दूँ, ये बनाई थी शेर शाह सूरी ने
16वीं शताब्दी में जब जीटी रोड को जब बनाया गया था तो दिल्ली से लाहौर के बीच जो ट्रैवल करने वाले लोग थे उनको बीच में रुकने के लिए एक शेल्टर के रूप में इस सराय को बनाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा, और उसे जाना जाता है शंभू सराय या मुगल सराय के नाम से। और उसका व्यू आप देख सकते हैं मेरे पीछे। काफी समय से मेरा प्लान था यहाँ पे आने का और आज मुझे मौका मिला यहाँ पे आके इस हिस्टोरिक चीज को एक्सप्लोर करने का। तो आप सोच सकते हैं कि 16वीं शताब्दी में बनाई गई जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी इतनी अच्छी हालत में अभी भी मौजूद है। इवन आप देखते होंगे कि आज के हमारे जो इंजीनियर्स हैं अगर वो आज कल ऐसी कोई चीजें बनाएं तो भाई वो मुश्किल से 50 साल भी ना टिके। और आप इतनी प्राचीन चीजों को देख सकते हैं कि किस तरह की वो कारीगरी, वो इंजीनियरिंग टेक्निक्स उन्होंने इस्तेमाल की है कि आज भी कितनी अच्छी हालत में ये चीजें मौजूद हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं इसके अंदर जाके इसको एक्सप्लोर करने की। तो चलिए आपको लेके चलते हैं अभी शंभू सराय। काफी अच्छा लगता है भाई इतनी पुरानी चीज, थोड़ा सा इसका यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। शुक्र है पंजाबी के साथ हिंदी में भी बस आ गया वीरे। तो यह स्मारक पंजाब सरकार प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातत्व संस्थानों तथा अवशेषों से संबंधित सन लगभग 1600 कुछ है के एक्ट अनुसार सुरक्षित है। कोई व्यक्ति स्मारक के किसी भी तरह से नष्ट करेगा, स्थानांतरित करेगा, विकृत करेगा, व्यवस्थित करेगा, विपद में डालेगा अथवा हानि पहुंचाएगा तो वह उपरोक्त एक्ट के अनुसार पता नहीं कितना है तत्थ दंड का भागी होगा। दिस मॉन्यूमेंट इज प्रोटेक्टेड अंडर द पंजाब एंशियंट एंड हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1 एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अंदर आके इतना अच्छा व्यू मिलेगा इस चीज का। हमेशा बाहर से ही मेरे को 4 साल यहाँ पे हो गए लगभग, मगर 4 साल में कभी आने की कोशिश नहीं की यहाँ पे। और मतलब बहुत ही ये तो कमाल का, यानी जो कहते हैं ना कमाल की कारीगरी है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि कितने कमरे यहाँ पे हैं। तो उस समय में मतलब जो भी आने जाने वाले लोग थे दिल्ली से लाहौर, लाहौर से दिल्ली की तरफ जो भी ट्रैवल करते थे उनके आरामगाह के लिए एज अ शेल्टर, एज अ सराय या एज अ जैसे हम आज के टाइम में हम बोलते हैं मोटल या होटल है, तो सेम ही उसी तरह की सराय। मतलब कोई भी थका हारा है, लंबे सफ़र पर निकला है, वो यहाँ पर आके वो ठहरता था। और आज तक आज भी आप इसकी कंडीशन देखिए कितनी अच्छी कंडीशन में ये है और बहुत ही साफ सुथरा अभी इसको मेंटेन किया गया है। शुक्र है कि इसमें दिल्ली की तरह दीवारों पे जो लैला मजनू वाले मैसेजेस नहीं हैं जो अक्सर देखा जाता है हिस्टोरिक चीज़ों पे। आप गुंबद
अभी दोबारा यहाँ पे आने की जो कोशिश है वो जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ या कभी फैमिली भी अगर आती है तो उनके साथ भी जरूर यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बढ़िया जगह है। अभी शाम के लगभग 5 बज चुके हैं और अभी इसके बंद होने का समय अभी हो चुका था, तो इसलिए अभी मुझे जाना पड़ेगा, तो अच्छे से इसको अभी एक्सप्लोर नहीं कर पाया। तो कोशिश करूंगा इन फ्यूचर दोबारा बहुत जल्द इसको किसी छुट्टी के दिन समय पे आके अच्छे से इसको एक्सप्लोर करें, इसकी हिस्ट्री के बारे में और जानें और आपके साथ भी जो इसकी हिस्ट्री है वो शेयर करें और कुछ ऐसी चीजें इसके बारे में आपको दिखाएं जो अभी मैं कैप्चर नहीं कर पाया। ये अभी हम आपको दिखाते हैं चंदसन हवेली जो रेस्टोरेंट था, बहुत बार हम यहाँ पे आ चुके हैं। पार्टीज वगैरह करने और डिनर वगैरह करने, मगर अभी क्या मैं देख रहा हूँ कि ये शायद बंद हो चुका है, तो थोड़ा सा अंदर का, जैसे मैंने बताया था आपको कि पूरा पिंड वाला इन्होंने सेटअप पूरा यहाँ पे रखा हुआ था, और ये देख सकते हैं तो यहाँ पे इनका बार इतना सारा ये था, मगर अभी पता नहीं किन रीज़न से ये अभी बंद हो गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आके बहुत अच्छी सी फील यहाँ पे आती थी कि पूरा जो पुराने जैसे होता है पिंडों वाली फीलिंग यहाँ पे इन्होंने पूरा वैसा रखा हुआ था। होता है कि किन्हीं रीजंस की वजह से इसको डिसकंटिन्यू इन्होंने कर दिया, इसको बंद इन्होंने कर दिया। और ये देख सकते हैं बिल्कुल शंभू सराय के साथ में ये है चंदसन हवेली, अगर आप कह सकते हैं था। दरवाजों पे आप देख लीजिए जैसे पुराने दरवाजे होते थे, बिल्कुल उस तरह के दरवाजे राजा के समय के। ये इसका फ्रंट व्यू, पूरा देसी स्टाइल यहाँ पे इन्होंने किया हुआ था, ये आप देख सकते हैं। पूरा नहीं है जस्ट कुएं की शेप में, यहाँ पे इन्होंने बतखें वगैरह पाल के रखते थे ये एंट्रेंस में, अभी भी याद है मुझे। अभी लगभग ज्यादा एक साल भी नहीं हुआ इसे बंद हुए, फोटोशूट यहाँ पे जो आजकल प्री वेडिंग शूट बहुत होते थे यहाँ पे, शायद अभी भी होते होंगे। और ये बिल्कुल पीछे इसके शंभू सराय, तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का व्लॉग ये पसंद आएगा जो आपको शंभू सराय और चंदसन हवेली का मैंने दिखाया। बिल्कुल ये अंबाला और राजपुरा के बिल्कुल बीच में ये जगह पड़ती है सेंटर में, तो मतलब दुख होता है ना इतनी तो थोड़ा हेरिटेज वाली लुक पे जो चीज़ बनाई हो वो इस तरह से एकदम से बंद हो जाए, तो कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, मगर चलिए होप यही करेंगे, एक्सपेक्ट यही करेंगे बहुत जल्द ये दोबारा शुरू हो ताकि जो गांव वाला जो अनुभव है वो दोबारा लोगों को यहाँ पे आके मिल सके। तो दोस्तों परमार साहब व्लॉग्स को यूं ही प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें, और आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोज़ ऐसे ही लेकर आते रहेंगे। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।